यो तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग व्यू 10.2। एंड आज हम दोबारा आ चुके हैं अपनी सुपर मार्केट एंड होटल सिमुलेटर में। एंड भाई तुम लोगों को बता दूंगा, मैंने पिछली बार अपना एक रूम साफ करके उसको रेंट पे दिया था एंड वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सही रेंट आ रहा है। एंड आज हम करने वाले हैं अपने दूसरे रूम को रेडी, जिसमें तो वीडियो को लाइक किया जाके लाइक वाला बटन दबा दो एंड चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइस, यार गेम में आ चुके हैं। एंड अभी तुम लोग ने देखो भाई, पिछली बार मैंने रूम रेंट पे चढ़ाया था। एंड भाई अभी चलते रूम की सफाई करने के लिए भाई, क्योंकि भाई ये लोग बहुत ही ज़्यादा गंद मचा के रखते हैं यार। ये देखो छी भाई, भाई क्या क्या बोरे में भर के लाते हैं भाई। ये देखो कितना गंदा रूम लगा के रखा है। बट अभी इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। एंड तुम लोग को याद होगा मैंने पिछली बार मतलब वो किया था, अपना एक रूम बाय किया था, उसको मुझे अपना दे दो तुम लोग की। देखो वो तुम लोग को दिखाया था। अभी मुझे इसको उसका थोड़ा सा हाई लेवल का बनाना है, पैसे इकट्ठा करके भाई। एंड कोशिश करेंगे भाई सुपर मार्केट भी अनलॉक करने का। बट अभी चलते सीधा भाई अपने मोटेल पर, क्योंकि रिसेप्शन में एंड क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रखे हैं, मैंने बहुत देर से वेट करा रहा हूँ इनको। तो सीधा मैंने रूम साफ करके दे दिया। तो मैडम जी आप जा सकती अपने रेंट पे। ओके भाई अभी काम करते गाइस, अभी चलते सीधा के लिए अपना मतलब दूसरा रूम रेडी करने के लिए। वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें वीज़ें लगाते हैं ताकि भाई उसको भी रेंट पर देख के हम लोग थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके अपनी सुपर मार्केट में अनलॉक कर सकें। तो ओके भाई लेट्स गो भाई। पेंट शेंट होगा यार, ये तो बहुत गंदा हो रखा है। एंड यहाँ पर फर्श वर्श डलेगा, छत वगैरह डलेगी भाई, बहुत ही गंदा मचा रखा है यहाँ पर। तो अभी काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं एंड थोड़ा सा अच्छा सा हमें चीज़ें बाय करनी है। तो वॉलपेपर तुम लोग बता सकते हो, या फिर मैं पिक काम करता हूँ पेंट अपना वॉल पेंट में मतलब। तो वॉल पेंट कौन सा किया जाए? देखो भाई इस बार रूम थोड़ा हट के बनाने वाले हैं हम, तो मैं करने वाला हूँ। पिछली बार मैंने 35 का खरीदा था, इस बार मैं अच्छा सा खरीदने वाला हूँ, मतलब ग्रे कलर का गाइस बहुत अच्छा लगेगा वैसे तो। ओके गाइस यार अभी मैंने पेंट तो बाय कर लिया, अभी मुझे फ्लोर चाहिए। तो फ्लोर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक बार मस्त टाइप का हो, तो उसमें हमने कार्पेट बिछाया, तो इसमें थोड़ा लग्जरी सा करें, मतलब फुल टाइल शाइल बिछाएं। तो एक काम करते भाई, ये 75 का मुझे अच्छा तो लग रहा है वैसे। बट भाई यार एक सेकेंड, 75 का एक काम करते हैं, ये बाय कर लेते हैं। 140 हो रहे हैं अभी के लिए, फिलहाल ये बाय कर लेते हैं एंड बाहर चलते हैं। एंड हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका होगा, तो लेट्स गो ये पिक करते हैं एंड भाई लगाना शुरू करते हैं। ओपन किया भाई, ओके तो जल्दी चलो। एंड भाई हमारा अपना रूम रेंट पे भी देना है यार। अरे दीवार का पेंट है यार। ओके भाई, भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है गाइस, अभी फर्श डलेगा ना देखना अच्छा लगेगा तुम लोगों को। भाई पहले से ज़्यादा अच्छा लगेगा यार, पिछली बार तो मैंने गंदा शंदा बना दिया था। बट एक काम करते भाई पेंट रुक जा भाई, यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से वॉश में भी हमें यही कर देना चाहिए, क्योंकि भाई अभी पास इतना पास पैसा नहीं, बाद में हम चेंज कर सकते हैं। ओके भाई लेट गो, इतना तो पेंट हो चुका है हमारा। अभी चलते हैं सीधा यहाँ पर एंड कहाँ गया हमारा छत, सॉरी फ्लोर। एंड इसको उठाते हैं, ओपन हो जा। अभी मुझे डालना है गाइस फर्श डालना है इसमें, तो भाई इस रूम में तो क्योंकि भाई फर्श डालने वाला हूँ। भाई क्या लग रहा है मतलब, तुम लोग एक बार देखो भाई, भाई पिछला रूम में तुमने देखा था और ये वाला रूम देखो भाई क्या ओपी लग रहा है। भाई वॉशरूम के लिए मैं अलग बाय करने वाला हूँ, देखो वॉशरूम के लिए मैं दूसरा टाइल बाय करूँगा ताकि यार वॉशरूम थोड़ा दिखने का अलग से लगे। देखो भाई क्योंकि इस बार अच्छे से हम रूम बनाने वाले हैं। फिलहाल अभी मैं एक काम करता हूँ, रूम को क्लीन करता हूँ भाई, क्योंकि बहुत ही गंद मचा रखा है इन्होंने यहाँ पर दोबारा से। एंड डस्टबिन उठाया यहाँ से मैंने ऐसे करके एंड उड़ गया भाई। जल्दी से मैंने ब्रश मारा एंड ओके भाई सब कुछ साफ है। अभी हम चलते सीधा रेंट पे देने के लिए। भाई सच बता रहा हूँ इस बार हम ना 5-स्टार होटल बना के रहेंगे इसको भाई। हाँ अंकल जी, जी बताओ कौन सा रूम चाहिए आपको? सॉरी अभी तो हमारे पास एक ही रूम है फिलहाल, तो आप ले सकते हो ये। ओके गाइस यार मेरे ख्याल से हम दूसरा रूम पे रेंट पे दे सकते हैं, अभी तो $7 का बन रहा है, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है फिलहाल भाई। अभी अंकल जाएंगे, हमें काम करते हैं मोटेल ऑन कर देते भाई, क्योंकि भाई बहुत दूर दूर से पता है कस्टमर आते हैं, फिर अच्छी बातें लाइन लग जाती है, हमें आसानी होती है। ओके गाइस अभी ऑन नहीं कर सकते क्योंकि भाई अभी हमारे पास क्योंकि रेंट पे रूम चढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास जब रेंट से उतरेगा ना, जब हम ऑन कर देंगे इसको इक्वायरी को। एंड भाई अभी तुम लोग देखो यार रूम क्या लग रहा है भाई, इसके पास छत की कमी है। ओके मैं अभी देखता हूँ कुछ बाय करता हूँ भाई, मुझे पैसे तो मिल चुके हैं फिलहाल। अभी एक काम करते कुछ अच्छी चीज़ बाय कर लेते हैं। वॉशरूम के लिए मुझे टायर बाय करनी थी, तो वॉशरूम के लिए देखो मैं सस्ता सा बाय करने वाला हूँ, 55 का ही देखो। ओके भाई जल्दी से चलो लेट्स गो, इसको खोला एंड जाके वॉशरूम में ये लगा दो भाई। गाइस देखो यार मतलब यार लग्जरी तो मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, यहाँ पर मैंने ऐसे करके ही दो बस। क्या लग रहा है मतलब यार, तुम लोग खुद ही बताओ भाई, लग रहा है ना अच्छा वाला रूम यार। देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, बस की छत की कमी, छत भी मैं एकदम अच्छी ढासू सी डालूंगा। ये देखो भाई स्टार जो टाइल है ना जो $90 की, भाई मैं तो ये डालने वाला हूँ, महंगी डालोगे जितना महंगा सामान डालोगे ना उतना ही पैसा कमाएंगे। एंड यहाँ पर चलता हूँ भाई, जल्दी सफाई सफाई करनी है। एंड भाई ये लोग बस एक ही जगह मतलब मट्टी करके आ रहे हैं, ये लोग
साफ हो गया। 2 मिनट में हाथ मारता हूँ ऐसा करके साफ हो जाता है, एकदम चमक जाता है। एंड अभी तक मैंने मोटर खोला नहीं क्या यार? देखो यार यही मसला होता है भाई, मुझे एक काम करता हूँ मैं खोल के रखूँगा इसको। एंड भाई जल्दी जल्दी कस्टमर आओ यार, पैसों की बारिश कर दो मेरे ऊपर। गाइस वो देखो गाड़ी आ रही है भाई, गाइस वो कहीं और जा रहा होगा ना, वो घुमा के लाएगा अभी, तुम लोग खुद ही देखना यार घुमा के लाएगा ऐसी करी गाड़ी। वो असल में ना कुछ सामान या करके होगा ना, वो लेने गया होगा यार। इतना फेमस है यार, इतना फेमस मोटल खोला है यार, कोई आ ही नहीं रहा यार मेरे पास कस्टमर। ओके भाई यार कोई तो है ना, वो देखो मैडम आ रही है। भाई मैं बता रहा हूँ यार, इतना बड़ा मैंने 5 स्टार होटल खोल लिया, मतलब अभी यहाँ पर जाके सीट पे काम करता हूँ, बैठ जाता हूँ ऐसे करके। ओके गाइस यार मैडम आ चुकी है। एंड भाई हम इनको रूम रेंट पे दे देते हैं फटाफट से, तो लेट्स गो। एंड जल्दी से काम करते गाइस, दोनों रूम में स्नॉट रेड यार, रेंट पे नहीं दे सकते पता है वाला रूम, हमें कुछ ना कुछ मतलब उसमें थोड़ा बहुत सिस्टम करना पड़ेगा ताकि हम रेंट पे दे सकें। और उस रूम को मैं देने वाला हूँ भाई अच्छे रेंट पे, समझ पा रहे हो तुम लोग? मतलब ये रूम एक बार तुम लोग देखो, ये भी वैसा गाइस बना तो अच्छा है, मैं जान सकता ना अंदर, मैंने रेंट पे दे दिया, बट ये रूम भी अच्छा बना था यार। मुँह पे गेट कौन बंद करता है गाइस यार, मैं मोटेल का मालिक यार एकदम, क्या बताऊँ तुम लोग को। बट अभी इन्होंने मुँह पे गेट बंद कर दिया, फिलहाल अभी यहाँ पर चलते हैं। एंड ये देखो ये रूम तो भाई हट के लग रहा, मतलब लग्जरी में, तो अभी चलते हैं यहाँ पर। एंड 47 हमें डॉलर मिल चुके हैं। और एंड चलो भाई मैडम निकलो, अभी मुझे सफाई करने का यहाँ पर। ये लो गार्बेज उठाया, सफाई की, एंड रूम इज रेडी, और इसको चढ़ाया सीधा रेंट पे। चलो भाई लेट्स गो। अंकल जी मैं आ गया, 2 मिनट रुको आप भाई। आज ट्यूसडे है एंड पूरा हफ्ता हो चुका है मुझे चलाते हुए मोटर अपना। एंड भाई अंकल आप रेंट पे दो और फटाफट से भाई यार जल्दी जल्दी जाओ। एक काम करते हैं अभी के लिए छत डालते हैं, एंड इस बार मैं लगाने वाला हूँ डबल बेड, तो ताकि यार हमारा रूम थोड़ा रेंट अच्छा से चढ़े। एंड एक काम करते हैं इसको हमने बाय कर लिया, अभी मैंने महंगा वाला टाइल मंगा तो लिया गाइस छत पे लगाने के लिए, बट भाई ये अच्छा एक बार चल जाए बस। ओके इसको उठाया मैंने। एंड भाई देखते हैं भाई क्या हाल है इसका। ओ भाई प्लीज़ यार अच्छा लगना यार, अच्छा तो लग रहा है यार, उससे तो पहले वाले से तो बेहतर ही लग रहा है मुझे तो। तुम लोग खुद ही बताओ यार ये तो कितना प्यारा लग रहा है भाई, लग तो रहा है रूम एकदम निखर के आया वैसे, बट अभी इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। एंड भाई ये देखो मैं दोनों रूम थोड़े से एक जैसे ही बनाया, बस स्टाइल चेंज है यहाँ का। एंड भाई ओके अभी इसको भी रेंट पे चढ़ा सकते हैं, फिलहाल अभी नहीं चढ़ा सकते सॉरी, अभी हमें काम करना है यहाँ की सफाई करनी है जल्दी से। डस्टबिन निकालो अपना, डस्टबिन में ये समेटो, यहाँ पर झाड़ू मारो, ये लो। एंड रूम रेडी करके फटाफट से इसको रेंट पे चढ़ाओ। एंड भाई बहुत सारी लाइनें लग चुकी हैं भाई, मोटे से अंकल भी आ चुके हैं। एंड अभी चलता हूँ सीधा इसको रेंट पे देने के लिए, 47 इसको रेंट पे दिया। एंड अभी काम गाइस यार इस रूम को ना मैं जो बना रहा हूँ ना अभी रूम, उसको मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ भाई, मतलब एकदम फुल लग्जरी बनाऊंगा। एंड मैंने मोटर बंद कर दी फिर भी ये मैडम आ गई भाई। तो भाई ये एक बार रूम को एक बार देख के आऊँ, सफाई सफाई कर दूँ ना गाइस, तो मज़ा से आ जाएगा तुम लोग को भी। A few moments later. Okay guys, ये फिलहाल मेरे पास 400 से ऊपर प्लस हो चुके हैं हमारे पैसे, तो अभी के लिए मैं मोटेल ऑन नहीं कर सकता सॉरी से, क्योंकि रेंट पे भी रूम चढ़ा हुआ है। अभी एक काम करते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे पैसे हो चुके हैं, उससे पहले हम एक काम करते हैं इस रूम की सफाई सफाई करके इसको भी रेंट पे दोबारा से देते हैं। लेट्स गो ये हो गया, अभी इसको ऑन भी कर देंगे हम मोटेल को, ताकि अपना काम चलता रहे भाई, हम अपना जब तक रूम रेडी करते रहेंगे वाला, तुम समझ पा रहे हो ना? तो अभी काम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले काम करो यार। ओके गाइस यार ये रूम मैंने रेंट पे दे दिया अंकल जी को, अभी हम निकलते हैं अपना दूसरा रूम रेडी करने के लिए, मतलब जो हमने बाय किया हुआ था, मैंने सारा सामान लगा दिया जो भी तुमने सामने लगाया था, बट अभी मैंने ये डबल शेड बेडशीट में पता है मैं पड़ी हुई थी, तो अभी यहाँ पर हमें बेड बेड का सेटअप करना है, जहाँ पर भी लगाना है, तो मैं सोच रहा हूँ इस बारी को बेड हम यहाँ पर लगाएं, ठीक है? तो एक काम करते हैं इसको उठाओ ये फेंको साइड पर, अभी मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर बेड। तो यहाँ पर बेड कहाँ गया, बस ये वाला बेड लगाने वाला हूँ, ठीक है? ये बेड होने वाला हमारे पास, तो सोफ़ा होने वाला हमारे पास 70 का सोफ़ा लगाया था गाइस। एंड टेबल, टेबल देखो मैं लगाने वाला हूँ अच्छी वाली गाइस, ठीक है? तो अच्छी वाली टेबल इस बार मुझे ये 150 की समझ आ रही है, इसके अलावा तो कुछ अच्छी है भी नहीं, और पैसों में भी सही है, तो 150 की ये कर लेते हैं। तो हमारे 420 हो चुके हैं। एंड टॉयलेट एक लगाना है 460, और एक वार्डरोब तो होनी चाहिए, क्योंकि तो यार अभी के लिए ये सामान मंगा लेते हैं यार। अभी मैंने कुछ टॉयलेट वगैरह कैंसिल कर दिया, वो तो बाद में लगा देंगे। एंड भाई रश देखो, ट्रैफिक पड़ता भी पड़ते जा रहा है। एंड अभी काम करते हैं इसको ओपन करते हैं, एंड जाके भाई अपना ये वाला रूम भी रेडी करते हैं। लेट्स गो, यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ डन, ये बेड हो गया अपना, इसकी बेड शीट ये पड़ी हुई है, तो भाई जल्दी से बिछ जा। ओके भाई इसके पिलो भी तो लाने, बट लग कितना अच्छा रहा भाई रूम, तो फिर चेक करो यार रूम इसका बेस्ट लगने वाला है भाई, ये तो मुझे वाला रूम ना मुझे बेस्ट लगने वाला है। अभी काम करते हैं ये सोफ़ा
उठाते हैं, सोफा तो मैं लाया था। ओके सोफा उठाते हैं, सोफा भी प्लेस करते हैं। सोफा मैं सोच रहा हूँ इस बारी को यहाँ पर लगाएंगे। डन। ओके गाइस सोफा यहाँ पर लग चुका है। अभी काम करते हैं रूम की सफाई सफाई करके इसको दोबारा से रेंट पे देते हैं, ताकि भाई इसी से पैसा तो आ रहा है हमारे पास। ताकि हम यार एक काम, मैं मॉप कहाँ गया, मॉप इधर आ, ये ले, रूम रेडी कर दिया इसको, फटाफट से रेंट पे आते हैं एंड सामान और लगाने शुरू करते हैं। भाई अब तो मेरे पास एक काम करता हूँ यार, चल मोटेल बंद करो भाई, बहुत ट्रैफिक हो गया यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। अभी काम करो यहाँ पर, इनको फटाफट से फर्स्ट रेंट पे दो। वैसे अभी मुझे इस रूम में भी सामान लगाने, पहले रूम में, ताकि उसको भी अच्छा रेंट आ सके मतलब। तो अभी काम करते हैं, हाथ खाली करते हैं। एंड ये रही हमारी टेबल जिस पे मैं टीवी रखने वाला हूँ। एंड टेबल तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है, बड़ी सी। एंड इसको मैं लगाने वाला हूँ। डन। भाई क्या लग रही है मतलब टेबल। ओके एक सेकेंड, यहाँ पर सोफा थोड़ा सा इधर होगा। ओके भाई अब परफेक्ट है, बट सोफा थोड़ा ज़्यादा आगे नहीं हो गया? नहीं यार परफेक्ट लग रहा है मेरे ख्याल से तो। ओके गाइस अभी काम करते हैं, हमारा वो भी रहता है, अलमीरा रहती है, तो वो भी लगा देते हैं फटाफट से। एंड रूम का काम भी हो चुका है, तो इसको दोबारा सफाई करके रेंट पे देते हैं भाई। तो चलो अंकल जी आप रेंट पे ले लो इस भाई को, 47 इसका रेंट है, ये लो। एंड अभी मैं निकलता हूँ सीधा अपनी वार्डरोब लगाने के लिए, तो आ जाए मेरी वार्डरोब, ओपन हो जा। एंड भाई इसको लगाते हैं, इस बार मैंने वार्डरोब शायद से वही लगाई है यार, शेड भाई मुझे चेंज लगाई थी। चलो गाइस चलता है ये इतना तो, बट अभी एक काम करूँ उसको लगाऊँ तो लगाऊँ कहाँ, मेरे हाथ से उसको एकदम बराबर लगाना चाहिए, एक साइड पे नाइट स्टैंड आएगा। ओके भाई एलमीर अभी अपनी लग चुकी है। एंड भाई एक बार रूम देखो यार क्या लग रहा है मतलब, भाई एकदम ढांसू रूम लग रहा है। अभी हमारे पास 101 रुपये हो गए मतलब। अभी एक काम करते हैं, इसको दोबारा से हमें साफ करना पड़ेगा यार। ये नहीं कि भाई यार इतना अच्छा इनको होटल दिया मैंने, कि ये नहीं कि मैं सफाई करके चले जाएँ यार, अभी मुझे भी सफाई करनी पड़ती है यार। मैं एक बताऊँ क्या एम्प्लॉय रखने वाला हूँ भाई, क्योंकि भाई तुम्हें तो ठहरा यार, मैं मतलब मालिक हूँ यार इस होटल का। तो अभी इनको आंटी जी को रेंट पे देते हैं, ये लो मैडम। भाई अभी से 45 रेंट हो गया, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं उसमें। अभी काम करते, उसमें टीवी शीवी सब कुछ लगाते हैं एकदम प्यारा करके। एंड सबसे पहले जाके यार टॉयलेट का करें, ताकि इसको थोड़ा बहुत तो रेंट आ सके ना मतलब। टॉयलेट का करना है सबसे पहले, तो यहाँ से बाय करते हैं, छीन टपाक डम डम, सिंक को लेके चलते हैं। एंड मेरा रूम 102 इधर आ जाए जल्दी से, यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ। डन। अब देखो ना अच्छा लग रहा है ना इस, अभी हमें टॉयलेट भी मैंने मेरे ख्याल से तो अच्छा वाला मंगाया है। हाँ मैंने अच्छा वाला मंगाया भाई इस बार, भाई मैंने इस बार वो वाला नहीं मंगाया भाई, मुझे लगा गायब हो गया। ओके मैंने इस बार अच्छा वाला मंगाया, वाला नहीं मंगाया। और एक काम करते इसको जल्दी से यहाँ पर लगाओ, लेट्स गो। ओके भाई अभी हमारा गैस पूरा रूम रेडी हो चुका है, बस यहाँ पर एक टीवी की कमी है, तो वो भी लगा के फटाफट से इस रूम को रेंट पे देना शुरू करते हैं, ताकि भाई दोनों रूम का रेंट आते रहे। टीवी कहाँ गया ये भाई, मैं 24 इंच की एलईडी लगाने वाला हूँ। एंड भाई पैच होने वाला है देखो भाई। ओके भाई आ चुकी है एलईडी अपनी। एंड इसको भाई अपनी उस टेबल पर प्लेस करते हैं, एंड उसके बाद देखते भाई हमारा रूम कितने रेंट आने वाला है मतलब पहले वाले से। तो काम करते हैं इसको ऐसे किया, अभी मैं इसको ऊपर करके, आप देखो गाइस रूम इज रेडी भाई। एक सेकंड, अबे उल्टी लगा दी क्या भाई, एक सेकंड यार गाइस गलती तो होती रहती है। एक काम करते हैं इसको सीधा करके लगाते हैं ना यार। अब देखो गाइस अब लग रही है ना भाई रूम, क्या लग रहा है भाई मस्त करके फुल भाई, इतना प्यारा रूम बना दिया ये देखो तुम लोग। बाकी मैं वॉशरूम में बाद पेंट चेंज कर दूंगा, टाइल वगैरह जो भी करना होगा, बट अभी इसको रेंट पे देते हैं भाई, लेट्स गो। एक काम करते हैं भाई इसको भी साफ करके दोनों को रूम रेंट पे दे देता हूँ। एंड भाई लेट्स गो यार फाइनली भाई, इतना ज़्यादा काम कर लिया ना भाई, एकदम अच्छा सा लग रहा है। ओके भाई अब मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, कितने रेंट पे जाने वाला है रूम। तो भाई लेट्स गो, चलो भाई ये मोटे अंकल को देंगे सबसे पहले छोटा रूम, ठीक है, बल्कि इनको देंगे डबल बेड। मैंने इनसे पहले ही बोला था इसको डबल बेड देने वाला हूँ। एंड $60 मतलब 47 और 60, भाई कितना ज़्यादा फर्क है, उनको 47 वाला दे देते हैं। एंड भाई अभी मैं और काम कराऊंगा ना, तो भाई बहुत ज़्यादा और अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ इनसे। तो कि भाई लेट्स गो यार, दोनों रूम से अपना पैसा आएगा तो भाई एकदम मज़ा सा आ जाएगा। एंड भाई फाइनली हमें यार दूसरा रूम भी रेडी हो चुका है, तो कि कैसे फाइनली हमने दूसरा रूम रेडी करके रेंट पे भी दे दिया। एंड भाई आज के लिए तय, आई होप आज की वीडियो पसंद नहीं होगी, अगर पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।